हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बचपन वाले प्यार के गाने के बारे में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज ये गाना बहुत ही ट्रेंड हो चल रहा है। दोस्तों, बहुत ही ट्रेंडिंग हो रहा है और सभी जगह पे बहुत अच्छा वायरल हो चुका है। दोस्तों, और इसकी बात करते हैं तो दोस्तों, हर इंसान की जुबान पे ये गाना अभी गूंज रहा है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे, इसकी पूरी डिटेल्स जानेंगे कि इसके असली गायक कौन है, इसके असली सिंगर कौन है और यहाँ पे गाना कैसे हिट हुआ, उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको दो लेसन भी दूंगा, तो दोस्तों लेसन भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये जो गाना है वो भी बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है और जिसको गाया है दोस्तों सहदेव ने, ये छोटे बालक जो सहदेव है जिसने गाया है और वो छत्तीसगढ़ से रहने वाला है दोस्तों। और छत्तीसगढ़ के अंदर दोस्तों उनका बहुत ही अच्छा सम्मान किया गया और जब ये गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ तो दोस्तों ये बताया जा रहा है कि बादशाह ने भी उनको इन्वाइट किया था अपने वहाँ दिल्ली के अंदर। उसको दिल्ली बुलाया गया था सहदेव को और वहाँ पर भी दोनों ने मिलकर दोस्तों गाना गाया था, ठीक है। तो उसको भी बहुत बढ़िया चांस दोस्तों मिल चुका है। और दोस्तों, सहदेव की बात करते तो वह भी छोटा बालक है लेकिन इस गाने से इतना पॉपुलर हो चुका है और साथ ही साथ दोस्तों बहुत ही उसको सम्मान मिला है सभी जगह पे। सभी बड़े बड़े जो बॉलीवुड के स्टार है, दिग्गज है, वो सभी लोग उसको इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दो लेसन मिलने वाले हैं। और दोस्तों, यहाँ पे जो असली इसके जो गायक है, असली जो इसके सिंगर है वो है दोस्तों यहाँ पे कमलेश बारूद है, जो गुजरात से बिलोंग करते हैं और पंचमहाल जो जिला है तो वहाँ के रहने वाले हैं। तो उनका भी गुजरात के अंदर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहता है दोस्तों। और वो उनकी माने तो दोस्तों वो टिमली के अंदर बहुत अच्छे गायक है और उनका एक गाना 2019 के अंदर दोस्तों रिलीज हुआ था और 2019 के अंदर दोस्तों उन्होंने एक गाना को यहाँ पर रिलीज किया था, रिकॉर्ड किया था, ठीक है दोस्तों। तो ये गाना उनका है और का जो फिर बच्चे ने से गाया तो पूरे इंडिया के अंदर दूसरे गाने ने धूम मचा दिया है। अभी दोस्तों जानते हैं कि यहाँ से आपको क्या लेसन लेना चाहिए। तो दोस्तों, पहला लेसन ये है कि अपॉर्चुनिटी दोस्तों कभी भी आपको कहीं भी मिल सकती है, ठीक है। ये जो गाना है, इस गाने से इस बच्चे का जो करियर भी हुआ है, इस गाने से बच्चे को जो सम्मान मिला है, इस गाने से इस बच्चे को जो नाम मिला है, तो आप सोच सकते हैं कि इस गाने का गाना तो सबसे पहले गा चुके थे, ठीक है, जो राकेश बारोट जी हैं, सॉरी कमलेश बारोट जी हैं। तो दोस्तों, फिर भी इस गाने से ये बच्चा यहाँ पर आप देखो कि कितना नाम कमा रहा है। तो दोस्तों, कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, आगे आने की कहीं भी अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, ठीक है। सेकंड कि दोस्तों, यहाँ पे आप सफलता को हासिल करना चाहते हैं, यानी कि सफल होना चाहते हैं, तो सफलता कभी भी दोस्तों आपको मिल सकती है। ये तो सेकंड लेसन है आपका दोस्तों, सफलता कभी भी आपको मिल सकती है। उसके लिए दोस्तों आपको धैर्य रखना पड़ता है। आज दोस्तों ये जो गाना रिलीज हुआ था 2019 के अंदर दोस्तों रिलीज हुआ था और अभी जो चल रहा है वो दोस्तों 2021, तो यानी कि 2019 में जब कमलेश जी ने सोचा नहीं होगा कि 2021 के बाद मेरा ये गाना इतना हिट होगा, इतना पॉपुलर होगा। तो इनको 2021 में अभी ये सफलता मिली है कि इनका जो गाना है वो 2019 के अंदर जो रिलीज हुआ था वो 2021 के अंदर बहुत ही हिट कर गया और सभी की जुबान पे दूसरे गाना बज रहा है। तो दोस्तों, ये होता है दोस्तों धैर्य। दोस्तों, इस तरीके से आपका भी कभी ना कभी आप अपने लाइफ के अंदर दोस्तों आपको धैर्य रखना पड़ता है और दोस्तों जैसे जैसे धीरे धीरे आपको सफलता मिलती जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये दो लेसन दोस्तों इस गाने से हमें सीखने चाहिए। पहला चीज़ है कि अपॉर्चुनिटी कहीं भी आपको मिल सकती है। सेकंड दोस्तों कि आपका जो आप जो मेहनत कर रहे हैं वो आपको आगे इसका आपको प्रॉफिट 100% जरूर मिलता है, ठीक है, आपको सफलता जरूर मिलती है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच सर।